फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1K, 100K, 1 मिलियन और 10 मिलियन और 1 बिलियन कितना होता है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी YouTube पे देखते हैं वहाँ पे नीचे में व्यू भी लिखा रहता है 1K, या फिर कहीं कहीं देखे रहते हैं 100K लिखा रहता है, 1 मिलियन या फिर कुछ भी लिखा रहता है। तो फ्रेंड्स चलिए, 1K मतलब होता है फ्रेंड्स 1000, K का मतलब ये होता है 1000, और अगर यहाँ पे 1 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, 5, 10 जितना भी लगा हुआ है तो आप समझ जाइए उतना 1000 है। तो 1K लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो गया 1000, यानी कि 1 पे 000 इकाई दाही सैकड़ा 1000। तो आप देख लीजिए 1 पे 000 हो गया, और वैसे ही फ्रेंड्स 100 लिखा हुआ है तो मतलब हो गया 100,000, यानी कि 1,00,000। तो आप इसका मतलब हो गया इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000,00,000। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 1 पे 50, यानी कि 100 के अगर है तो समझिए वो 1,00,000 है अंकों में। वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे 1 मिलियन लिखा हुआ है तो 1 मिलियन का मतलब होता है 10,00,000। 10,00,000 मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर हम इसको लिखेंगे तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000,00,000 और 10,00,000। तो 2, 3, 5, 1, 6, और 1 पे जो है अगर 6 00 लगाएंगे तब वो 10,00,000 हो जाएगा, और उसे हम बोलेंगे 1 मिलियन। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,00,000 10,00,000। 1 मिलियन अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप समझिए वो 10,00,000 है। फ्रेंड्स वैसे यहाँ पे देखिए 10 मिलियन लिखा हुआ है तो 10 मिलियन मतलब हो गया फ्रेंड्स 1 करोड़। तो देखिए यहाँ पे जो 1 करोड़ में है मतलब 7 0 इकाई दाही सैकड़ा 1000 10,00,000 10,00,000 करोड़, 1 करोड़। जैसे 1 मिलियन 10,00,000 हुआ तो 10 मिलियन 10 दंग 100, 100,00,000 हो गया, और 100,00,000 मिला तो कितना हो गया फ्रेंड्स 1 करोड़। तो अगर हम 10 मिलियन बोल रहे हैं तो समझिए वो 1 करोड़ हो गया। वैसे ही फ्रेंड्स ये बिलियन है, अगर हम बिलियन की बात करें तो फ्रेंड्स अगर हम इसे बोलेंगे इंग्लिश में हिंदी में जैसे बोलें 1 बिलियन का मतलब होता है फ्रेंड्स 1 अरब। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,00,000 10,00,000 करोड़ 10 करोड़ अरब। तो देख लीजिए फ्रेंड्स ये इतना हो गया 1 अरब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 पे 9 0 जो है 1 अरब है। अगर हम उसे शॉर्टकट में लिखेंगे तो सीधा लिख देंगे 1 बिलियन में निकाल सकते हैं। 1K, 1.5K, 2K जितना लिखा हुआ है वो उतना 1000 है। अगर 1.5M, 2.5M, अगर 2.5M लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए वो 25,00,000 है। वैसे अगर 1 बिलियन लिखा हुआ है, बिल लिखा हुआ है, तो वो 1 अरब है। तो फ्रेंड्स आपको क्लियरली से समझ में आ गया होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।